24 घंटे बीतने के बाद भी जख्मी लोगों के शरीर से नहीं निकाली गई बंदूक की गोली, सभी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, 100 से अधिक डॉक्टरों की मौजूदगी फिर भी नहीं हो पा रहा है इलाज। क्या कहा जाए, व्यवस्था की कमी या डॉक्टरों की लापरवाही, दो लोगों की जान से खेल रहा है बेतिया GMCH अस्पताल प्रशासन। कभी भी जख्मी लोगों की बिगड़ सकती है स्थिति और जा सकती है जान। ऐसी बात नहीं कि जिलाधिकारी के संज्ञान में यह मामला नहीं है, लगातार हमारे चैनल के द्वारा अस्पताल की व्यवस्था को दिखाया जा रहा है, फिर भी कोई ठोस कदम जिला अधिकारी एवं अस्पताल प्रशासन नहीं उठा रहे हैं। योगापट्टी थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी में राजा बाबू पटेल और रुस्तम अंसारी दोनों के शरीर में गोली फंसी हुई है। जख्मी लोगों के परिजन सीनियर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल स्टाफ के द्वारा यह बात की जानकारी मिलती है कि जब तक कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आते, इन लोगों का ऑपरेशन या इलाज नहीं किया जाएगा। अभी तक तो ठीक नहीं है, गोली पैर में लगा हुआ है। अभी तक कल 8:30 बजे से भर्ती हुए, घटना हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी जो है जो मेन डॉक्टर है आए नहीं है, देखिए कब आते हैं कब नहीं आते, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। डॉक्टर कितने बार आए हैं आपके हाल चाल पूछने? हमारे पास 2 बार आए हैं, कल से और आज। आज तो अभी तक एक भी बार नहीं आए। क्या नाम पड़ेगा? रुस्तम अंसारी। डॉक्टर अभी तक कोई सीनियर डॉक्टर आए नहीं, बोल रहे हैं लोग कि आज आने के लिए आएंगे, देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन का डेट फिर डिसाइड करेंगे। अभी तक एक्सरे के द्वारा पता चला है कि गर्दन में ही गोली फंसी है। गोली इधर से लग कर यहाँ रुकी हुई है। क्या नाम पड़ेगा? राजा बाबू कुमार।